हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी अनाथ। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास फिफ्थ के चैप्टर 9 की बैक एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़, तो एग्जोस्फेयर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और कितनी लेयर्स होती हैं? वैसे 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब हमें करना है पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब कि इसमें से हमें इनकरेक्ट जो गलत है उसे चूज़ करना है। तो देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो थर्मोस्फेयर जो है वो 7 to 17 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, और जो स्टेटोस्फेयर है वो 17 to 50 किलोमीटर तक होता है, जो मिसोस्फेयर होता है वो 50 to 85 किलोमीटर तक होता है। अब आप एक चीज़, अगर आपको याद ऐसे ना हो और अगर फिर भी टिक टिक वाले क्वेश्चन दे दे, तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न वाली चीज़ याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर आप देखो जो थर्मोस्फेयर है वो 7 to 17 तक है, लास्ट 17 बोला, ठीक है, उसके बाद उसने देखा फिर यहाँ से 17 से शुरू हो गया और लास्ट 50 बोला, फिर 50 से शुरू हो गया और लास्ट 85 बोला, पर यहाँ पे इन्होंने थर्मोस्फेयर को 700 बोल रखा है, पर नहीं, क्योंकि हमारी जो लेयर्स है वो सीरीज़ में है, इसीलिए यहाँ पे 85 आएगा, 85 किलोमीटर्स तक। और चाहे तो आप बुक में भी चेक कर लो, 85 किलोमीटर से लेकर हमारा 800 किलोमीटर्स तक थर्मोस लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो इन इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट गैस जो होती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल होती है, तो ये जो लाइफ पॉसिबल वाली बात आती है ये पढ़ते ही आपको ऑक्सीजन पे टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम ब्रीथ करते हैं और फायर वायर सब कुछ ऑक्सीजन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन डी है कि एयर जो है उसके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है। देखो, एयर एग्जर्ट प्रेशर हमने पढ़ रखा है, फिर एयर हैज़ वेट, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग, हाँ, बर्निंग, हाँ, और पॉलिनेशन, हाँ, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, हाँ, फर्टिलाइजेशन, हाँ, और फिल्टराइजेशन, हाँ, और डिस्टिलाइजेशन भी, हाँ, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डिजीजेस कैन कॉज ड्यू टू द यूसेज ऑफ इम्प्योर वाटर, मतलब कि जब हम इम्प्योर वाटर को यूज़ करते हैं तो हमें मतलब कौन कौन सी डिजीजेज होने के चांसेस होते हैं, कौन कौन सी डिजीज होती है, तो टाइफाइड होती है, कॉलेरा होती है, जॉन्डिस होती है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल इज़ नॉट यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज़, मतलब कि कौन सा केमिकल है जो वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। देखो, एलम मतलब कि फिट करी, तो वो यूज़ होता है, क्लोरीन भी केमिकल हमने ऊपर पढ़ा है, और पोटेशियम और मैग्नेट भी जो है हमने पढ़ा हुआ है ऊपर, पर यहाँ पे जो बोरोमाइन है ये यूज़ होता है जिससे कि फायर ना कॉज हो, फायर को प्रिवेंट करने के लिए खेतों में एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे पहला है कि फर्स्ट जो है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ वेरी स्मॉल, हाँ, 1% वाली जो कैटेगरी होती है उसमें ही हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर हैज़ 4 लेयर्स, तो नहीं, मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया कि 5 लेयर्स होती है, तो ये जो है ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन हेल्प्स इन बर्निंग, नहीं, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं यहाँ पे जस्टिक वाले में कि नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन कॉज करता है, तो ये भी है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि नियॉन जो है वो बलून्स में हेल्प करता है, बलून्स में भरा जाता है जिससे वो गो अप इन एयर हो, मतलब कि वो ऊपर आसमान में उड़े, इसलिए बलून्स में भरा जाता है नियॉन। नहीं, नियॉन जो गैस होती है उससे लाइट्स का काम होता है, लाइट्स चलाई जाती है, लाइट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बल्कि बलून के लिए हीलियम यूज़ होता है, तो ये भी है जो हमारा है फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एयर टेक अप इन एनी स्पेस, तो हाँ ये ट्रू है कि एयर कहीं भी पूरे स्पेस में फैल सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी स्पेस है उसमें एयर फिल हो जाता है। एयर एग्जर्ट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली, नहीं, एयर किसी भी डायरेक्शन में एग्जर्ट हो सकती है, ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है, तो ये जो है हमारा फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हाँ ये ट्रू है, वाटर अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को घोल सकता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वाटर में वो फिल्टराइजेशन के थ्रू प्योर करी जा सकती है, तो निकाली जा सकती है, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि
इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं, सॉल्यूबल जो होते हैं मतलब वो मिक्स हो चुके होते हैं, तो वो नहीं, उसको हम नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डिस्टिलाइजेशन गिव्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, तो नहीं ऐसा, मतलब डिस्टिलाइजेशन जो है वो हमारे प्योर फॉर्म देता है, बल्कि लोंग ये ट्रू है, ठीक है, बल्कि हम कभी कभी सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन और डिस्टिलाइजेशन में कन्फ्यूज जाते हैं, तो नहीं, सेडिमेंटेशन डिकंटेशन अलग है और जो डिस्टिलाइजेशन है वो अलग है और वो प्योरेस्ट फॉर्म देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स जर्म्स प्रेजेंट, हाँ जब हम बॉइल करते हैं वाटर को तो वो ये ट्रू है, उससे जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स को देखते हैं कि लेयर ऑफ एयर, जो हमारी एयर मतलब अर्थ के अराउंड जो सराउंडिंग में अर्थ की गैसेस होती हैं, ठीक है, तो उन पूरे गैसेस को क्या बोलते हैं, हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि गैस इज़ यूज टू मेकिंग बल्ब्स, तो यहाँ पे बल्ब्स वाली बात हो रही है, तो ये नियॉन है, जहाँ पे गैस को यूज़ किया जाता है बल्ब्स को बनाने के लिए, वो भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स को बनाने के लिए, तो वो नियॉन। नेक्स्ट यहाँ पे है एयर कंटेंट डैश विच इज़ यूज प्लांट्स टू मेक फूड, तो इसका आंसर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इनोस्फेयर जो है, हमने ऊपर पढ़ा हुआ था कि जो इनोस्फेयर है वो ओवरलैप करता है दो लेयर्स की, वो दो लेयर्स कौन है, एक तो है एग्जोस्फेयर और दूसरी जो है वो थर्मोस्फेयर है, ठीक है, एक एग्जोस्फेयर है और एक थर्मोस्फेयर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एयर ऑक्यूपाइज डैश एंड डैश, तो एक यहाँ पे लिख सकते हो स्पेस, ठीक है, और एक यहाँ पे आप लिख देना मास, मतलब कि वेट, मास का मतलब वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द हाइयर वी गो डैश द एयर प्रेशर इज, तो लो, ठीक है, या फिर लिख लो लेस, लेसर द एयर प्रेशर इज। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जर्म्स इन वाटर आर किल्ड बाय एडिंग डैश टू इट क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ऐड करने से जो जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वाटर यूज इन मेडिसिन, वाटर यूज इन मेडिसिन इज क्लीन, ठीक है, या तो आप लिख सकते हो क्लीन या आप लिख सकते हो डिस्टिल्ड, ठीक है, डिस्टिल मतलब कि क्लीन वाटर। नेक्स्ट ये बोल रहा है यहाँ पे हमें सीरीज जो है, ये जो पैटर्न है इसे हमें कंप्लीट करना है। देखो नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सराउंडिंग एयर एटमॉस्फेयर, मतलब कि जहाँ पे एयर है, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वैक्यूम। ओके, इसको आप याद रखना कि आ सकता है वैक्यूम। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट हम लिखेंगे सॉल्यूबल शुगर है, तो इनसॉल्यूबल क्या है, जो मिक्स नहीं हो सकता वो क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैंड। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि डिस्टिल वाटर जो है, मतलब कि जो साफ वाटर है उसे हम क्लीन वाटर बोलते हैं, डिस्टिल वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर है उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं डर्टी वाटर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा जो पूरा चैप्टर है हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।